हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट मीटर। और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करेंगे, कंसेप्ट ऑफ मास के ऊपर। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ मास के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम आज। तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन सारे हैं। तो एक बार सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है बच्चों, तो ये सारे 6 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए। तो एक बार आप क्वेश्चन सारे रीड करके प्रैक्टिस या ट्राई करें, खुद ट्राई जरूर करें। क्वेश्चन ट्राई जब तक नहीं करोगे तब तक कहानी और पिक्चर क्लियर आपको नहीं होगी। अगर आपको क्वेश्चन की स्टोरी को अपने माइंड में लगाना है, माइंड में बिठाना है, और आप भी चाहते हो कि आपकी बत्ती जल जाए ऐसे ही, तो आपको क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। अगर जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, सवाल पढ़ोगे, क्या लिखा है समझोगे, तो तभी आपकी बत्ती जलेगी। तो आगे चलते हैं, चलो अब सवाल की बत्ती जलाते हैं। तो पहला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 2 particles of mass 2 kg and 4 kg आर लोकेटेड एट x1 and x4, फाइंड द पोजिशन ऑफ दियर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो पहले मैं अपना ये सिस्टम बना लेता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम, x1 and x4। ठीक है, x1 यहाँ पे मान लिया, x4 यहाँ पे मान लिया। x1 पे जो है वो 2 kg का पार्टिकल है और 4 पे हमारा 4 kg का पार्टिकल है। अब हमको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखो बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास एक कॉमन सेंस से भी आप इसको कर सकते हो, कॉमन सेंस वाला टॉपिक है और इसको थोड़ा एक आपको आइडिया लगना चाहिए, पिक्चर लगना चाहिए कि भाई कैसे हो रहा। देखो, मास वेटेड मीन सेंटर ऑफ मास को कहते हैं, मास वेटेड मीन इसको कहा जाता है, सेंटर ऑफ मास को। तो अब ये दो सिस्टम हैं, अगर इन दोनों का मेरे को निकालना है कि भाई इस सिस्टम को अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ तो किस जगह पर होगा, तो ऑब्वियसली इस मास के पास कहीं होगा। अगर इसका सेंटर हम मान लें यहाँ पर होगा तो इस तरफ होगा, तो यहाँ पर कहीं आना चाहिए। तो वो आएगा कैसे, चलो अब निकालते हैं। तो हमने पढ़ा क्या था, जो हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास x निकालते हैं, वो क्या होता है, m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2। अगर मैं इसको सिग्मा के टर्म्स में कहना चाहूँ, सिग्मा एम आई एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाय m, या फिर सिग्मा एम आई। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो अब मेरे को निकालना है इसका x, तो m1 क्या है बच्चों, m1 है 2 और उसका x कितना है 1, प्लस m2 है मेरा 4, m2 का मास 4 इंटू इसका x2 है 4 डिवाइडेड बाय 2 plus m1 plus m2 2 plus 4। तो क्या आ गया ये 2 plus 16 divided by 6, तो ये आ गया मेरा 18/6 और इज इक्वल टू 3। अब देखो ये 3 पे आया, तो इसको पहले देख लेते हैं कि 3 पे कैसे आया। अब 1 और 4 के बीच में सेंटर कौन सा लगेगा, इनके दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट कितना है 2.5, और इनका जो सेंटर ऑफ मास आया वो इधर कहीं आया, इसके पास आया। तो हमारा कहने का मतलब यही था कि भाई अगर इसका मास ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी तरफ ज़्यादा हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, उसकी तरफ ज़्यादा हम सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अगर सिमिलरली इसका वेट अगर 2 kg ही होता तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करता, सेंटर में 2.5 पे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 particles of mass 7 kg and 3 kg आर लोकेटेड एज शोन इन फिगर। 2 particles है, एक यहाँ पर है 7 kg का, एक 3 kg का यहाँ पर है। फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमने थोड़ी वेरिएशन डाल दी। वेरिएशन कैसे डाली, जो दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है वो 7 meters है। ठीक है, अब लेकिन ये दोनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में, कि जो हमारा 7 kg पार्टिकल है ये ओरिजिन पर लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमको क्या चाहिए बच्चों, अगर मैं x की बात करूँ तो x क्या होता है, m1 x1 plus m2 x2, और अगर जितने भी पार्टिकल होंगे उनका सम करना होगा, यहाँ पर 2 ही हैं तो हम 2 ही ले रहे हैं, m1 plus m2। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, तो मेरे को इसके चाहिए कोऑर्डिनेट, क्योंकि जैसे मैंने x निकाला वैसे मैं y भी निकालूंगा, m1 y1 plus m2 y2,
डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, ठीक है। तो अब 3 kg के मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो कैसे निकलेंगे ये हम इसमें लगा देंगे अपना पाइथागोरस थ्योरम। 37 डिग्री ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये निकल जाएगा मेरा कितना, 7 cos 37, ये हो गया मेरा x, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, 7 sin 37, तो 7 into cos 37 4/5 और sin 37 3/5, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई x और y की। तो हमने सबसे पहले क्या निकाले, हमने जो 3 kg का पार्टिकल था इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले, तो x क्या आया 28/5 और y मेरा आया 21/5। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू आ गई, ये तो हो गया 0 और ये कितना हो गया 84 और 5 आ जाएगा नीचे 84/50, ठीक है, ये हमारा x आ गया। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ 84/50 को तो कितना आ जाएगा 42/25, ठीक है। और इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ ये भी 0 आ गया, ये कितना आ गया 63/50। तो हमारे जो x के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बच्चों, 42/25 और 63/50। तो देखो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 particles of mass 1 kg, 2 kg एंड 3 kg आर प्लेस्ड एट 3 corners ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड 1 meter, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों कॉर्नर्स पे हमने 3 mass रख दिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2 kg ब्लॉक, तो 2 kg ब्लॉक से हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं अपने ट्राइंगल, तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया। अब इसके ऊपर 3 mass रख देते हैं हम, एक है हमारा 1 kg का, एक मेरा है 2 kg का और एक है 3 kg का। तो हमको डिस्टेंस निकालना है 2 kg से, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम मान लेंगे कि ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है ये है हमारा ओरिजिन पर, और जो दूसरा 3 kg वाला ब्लॉक है ये लाई कर रहा है हमारा एक्स एक्सिस में। तो हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं तीनों के, 0 0 मेरा है 2 kg ब्लॉक का कोऑर्डिनेट, 3 kg ब्लॉक का कोऑर्डिनेट मेरा है x इसका है 1, y है इसका है 0। और अगर मैं 1 kg ब्लॉक की बात करूं तो 1 kg के अगर हम x y कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहे कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये मैंने मान लिया परपेंडिकुलर यहां पर है, इस साइड की लेंथ हमारे को पता है 1 meter और ये एंगल कितना हो गया 60 degree या फिर पाई बाय थ्री रेडियन। तो मेरे को x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये लेंथ हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 1 into cos 60। और मेरे को अगर उसके y कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये लेंथ हो जाएगी कितनी, 1 into sin 60। तो तीनों हमारे जो पार्टिकल्स हैं तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। अब कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हम सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालना है, तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है बच्चों। तो m1 मेरा क्या है, अगर m1 में इसको मानूं 1, तो m1 है मेरा 1 into x इसका है 1 cos 60, cos 60 मतलब 1/2 प्लस m2, ये मैं इसको 2 मान रहा हूँ, 2 into 0 प्लस 3 into, ये मेरा 3 है, into 1, टोटल मास है इनका 6। तो x के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ये तो हो गया 0 हमारा, 3 plus 1/2, तो ये हो गया 7/2 डिवाइड बाय 6, तो ये आ गया 7/12। सिमिलरली अगर मैं y के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, तो क्या आ गया m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 मेरा है 1 इंटू y1 कितना है, √3/2, ये इसका कोऑर्डिनेट है y का sin 60, प्लस m2 तो 2 है लेकिन इसका कोऑर्डिनेट 0 है और m3 का भी कोऑर्डिनेट 0 है,
क्योंकि वो लाई कर रहा है मेरा x एक्सिस पे, तो y के कोऑर्डिनेट वहां पर होते हैं 0 डिवाइड बाय 6, तो इसका आ गया रूट 3/12। ठीक है, ये दोनों तो 0 हो गए, कैंसिल हो गया, तो रूट 3/12 y कोऑर्डिनेट्स आ गया। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 7/12 और रूट 3/12। अब मेरे को इसका डिस्टेंस निकालना है 2 से इसका डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकल जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच में, अगर ये पॉइंट यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा तो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस ऐसे निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म लेमिना शोन इन फिगर। तो ये एक लेमिना है, लेमिना मतलब एक पतली शीट, जैसे आपने टिन की शीट देखी होगी, उस टाइप की जो शीट होती है उसको कहते हैं लेमिना। तो एक ऐसी पतली सी शीट है, लेमिना है, और इसके अंदर से हमने ये पार्ट निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग एरिया बच गया पर्पल में, इसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे सवालों को कैसे करना है, ये एक कॉमन सवाल है, तो इन सवाल को कैसे करते हैं, देखो ये जो हमारा पूरा एक सर्कल है, इस लेमिना को हम अगर देखें तो ये इसमें से बड़े सर्कल में से हमने छोटा सर्कल ये निकाल लिया। ठीक है, तो अगर मैं इस छोटे वाले सर्कल को मानूं कि कोई पार्ट था, जैसे कि ये पार्ट हमने इसमें से निकाल लिया, ठीक है, अगर मैं इसको इसमें प्लेस कर दूं यहाँ पर, तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, और इस सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, ओरिजिन पर, सिमेट्री से। ठीक है, हमने कंटिन्यूस बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास अपना पिछले वीडियो में देखा भी था, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, ओरिजिन पर। अब क्या हो गया कि इसको मैंने यहाँ पर निकाल दिया, तो दो पार्ट बन गया, पार्ट वन हो गया ये मेरा, और पार्ट टू हो गया ये मेरा, दोनों अलग अलग पार्ट हो गए, लेकिन दोनों पार्ट का कंबाइन सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, और मेरे को पता है कि अगर दो पार्टिकल है यहाँ पर, दो सिस्टम है, उनका सेंटर ऑफ मास मेरे को निकालना है, तो क्या होगा, m1x1 + m2x2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ठीक है, ये मेरे को पता है, तो इसी का यूज़ करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। कैसे करूँगा, देखो तो मैं लेमिना का मास मान लेता हूँ m1, जो जिसका मेरे को निकालना है, और इसका मास मैं मान लेता हूँ m2। तो जो मेरा टोटल मास हो जाएगा, अगर ये मेरा जो सर्कल है पूरा कंप्लीट, इसका मास क्या हो जाएगा बच्चों, m1 + m2, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पर, 0,0 पर। अब देखो ये एक लेमिना है, तो इसका जो एरिया है वो क्या है, π × r², r है a, और इस पतली शीट का जो मास है ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा एरिया पर, क्योंकि जितनी लंबी चौड़ी शीट होगी उतना उसका मास होगा। ठीक है, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस पे करेगा एरिया के ऊपर। तो अब सिमिलरली m1 का जो मास है इस वाले लेमिना का, ठीक है, ये है a1, तो ये m1 जो मास है ये a1 पे डिपेंड करेगा। अगर मैं मान लूँ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और k कोई कांस्टेंट है, m = k × a, ठीक है, तो k तो पूरे लेमिना के लिए सेम ही रहेगा, तो m1 = k × a1, ठीक है। ऐसे ही अगर m2 की बात करूं, k × a2, और अगर हम जैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, mx1 + mx2 डिवाइड बाय m1 + m2, इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है, तो इसमें जो k है ये सब कैंसिल हो जाएगा यहाँ सर, तो हमको k लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दिया कि मास एरिया पे क्यों डिपेंड कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट सर्कल का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, COM ऑफ लेमिना या पार्ट वन × m1 + COM of 2 × m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास है पूरे सर्कल का क्या होगा, इस जो लेमिना का जिसका हमको निकालना है और इस वाले दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो अब देखो देखो ये जो छोटा वाला सर्कल है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
ए बाय टू, ये डिस्टेंस हो गया हमारा ए बाय टू, और इसका सेंटर ऑफ मास था यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस लेमिना का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में कहीं लाई करेगा। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि सिमेट्री अगर लेमिना की देखें तो इस पॉइंट, इस लाइन से सिमेट्री आ रही है, इस लाइन से सिमेट्री आ रही का मतलब क्या है कि इसी लाइन पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमको वाई कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या मान रहा हूँ कि इस लेमिना का सेंटर ऑफ मास कहीं पर है, उसको मैं मान रहा हूँ एक्स कॉमा ज़ीरो, ठीक है। इस पूरे सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। इस छोटे वाले सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, ए बाय टू कॉमा ज़ीरो। तो इसको मैं डालूंगा सबको इस वाली इक्वेशन में। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट सर्कल मेरा है ज़ीरो, इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिना, ये मेरे को निकालना है एक्स इंटू एम वन। एम वन देखो बच्चों क्या है, अब एम वन इसका जो लेमिना का एरिया है क्या है, कैपिटल जो हमारा सर्कल है इसका एरिया माइनस इसका एरिया। तो कैपिटल जो सर्कल है उसका एरिया कितना है, पाई इंटू ए स्क्वायर, और जो छोटे वाले सर्कल का एरिया है वो है पाई इंटू ए बाय टू स्क्वायर। ये तो मेरा आ गया लेमिना का एरिया प्लस सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्ट टू। पार्ट टू का सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, इसका जो एरिया है पाई इंटू ए बाय टू स्क्वायर इंटू जो इसका सेंटर ऑफ मास है ए बाय टू डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास हमारा है कितना, ए वन और ए टू पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं ले रहे हैं, मास नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर देखो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करता यहाँ पर और यहाँ पर सब मल्टीप्लाई करता और नीचे भी मल्टीप्लाई करता तो ऑब्वियसली वो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाता। तो यहाँ पर एम वन और एम टू टोटल सर्कल का मास है, तो टोटल सर्कल का मास अगर एरिया पर डिपेंड कर रहा है तो एरिया, टोटल एरिया कितना हो गया, पाई इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका तो मतलब है नहीं क्योंकि इधर आके ज़ीरो हो जाएगा। तो हमको सिर्फ सॉल्व क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको यहाँ पर। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो इसको सॉल्व पहले करते हैं। तो ये क्या आ गया, थ्री बाय फोर पाई ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ये वाला पाई ए स्क्वायर बाय फोर इंटू ए बाय टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये यहाँ पर इसको हमने इससे माइनस कर दिया पाई ए स्क्वायर से, पाई ए स्क्वायर बाय फोर को। तो एक्स के कोऑर्डिनेट पाई ए स्क्वायर तो कट गया, ये ज़ीरो में चला जाएगा उधर। तो आ गया मेरा थ्री बाय फोर एक्स प्लस ए बाय एट इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, माइनस ए बाय एट इंटू फोर बाय थ्री। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए बाय सिक्स। एक्स की वैल्यू आ गई मेरी माइनस ए बाय सिक्स। तो यहाँ पर ये माइनस ए बाय सिक्स में लाई करेगा, ठीक है। तो अब इसको हम जो अपने कॉमन सेंस जो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई सेंटर ऑफ मास कॉमन सेंस का टॉपिक है, उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे। देखो ये हमारी इसकी सिमेट्री की एक्सिस है, इसका ये वाला पार्ट था। सपोज़ कि मेरा जो सिस्टम था इन दो पार्ट से मिलके बना है, एक तो ये पार्ट जो सेमी सर्कुलर लेमिना है और दूसरा ये पार्ट। अब देखो सेमी सर्कुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास कहीं इधर लाई करेगा, ठीक है, और इसका सपोज़ कहीं भी लाई करेगा, इधर इधर कहीं भी लाई कर सकता है, मेरे ख्याल से यहाँ पे लाई करना चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, क्योंकि सिमेट्री यहाँ पर है। किस पॉइंट किस की बात मैं कर रहा हूँ दोबारा आपको समझा देता हूँ। देखो ये वाली जो मेरी पोर्शन बच गया इस तरफ वाला, ये वाला, अगर मेरे को सिर्फ इतने पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कहाँ पर लाई करेगा, तो मेरे हिसाब से ये इस लाइन पर लाई करना चाहिए क्योंकि सिमेट्री इसकी इस लाइन के अराउंड है, ठीक है। तो जो हम अपने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे कि माइनस ए बाय सिक्स आया, उसको कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि देखो इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है और इसका कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है, इसका मास इससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास इसके पाले में आके गिरेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस तरफ कहीं पे आके सेंटर ऑफ मास गिरेगा इसका, तो जो हमारा आ भी रहा है इसमें माइनस ए बाय सिक्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दिया हुआ यूनिफॉर्म लेमिना। लेमिना का मतलब क्या होता है, एक पतली शीट या फिर शीट समझ सकते हो, पतली जैसे आप होती है ना लोहे की चादर होती है या फिर एक टिन की शेड की पतली शीट होती है, ठीक है, तो वो आप इसको समझ सकते हो ये लेमिना का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये हमको एक यूनिफॉर्म लेमिना दिया हुआ है। अब देखो इस लेमिना में हुआ क्या, इस लेमिना में एक बड़ा सर्कल है
और उसके अंदर से हमने एक छोटा पार्ट निकाल दिया, ठीक है। तो मैं अब ऐसा मानना चाहूँ कि ये जो हमारा लेमिना है, पहले जो हमारा सर्कल था, ये सर्कल दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। दो पार्ट कैसे? एक तो पार्ट हमारा जो लेमिना है ये, और एक हमारा दूसरा पार्ट जो ये वाला अंदर वाला है। तो अगर मैं दोनों पार्ट को मिला दूँ तो एक ये सर्कल पूरा बन गया, पूरा लेमिनर सर्कुलर लेमिना बन गया, ठीक है। तो इस पूरे सर्कल का अगर मैं सेंटर ऑफ मास देखूँ तो कहाँ पर लाई करेगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली अगर इस छोटे वाले का देखूँ तो इस छोटे वाले का भी लाई करेगा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो हम क्या करेंगे कि भाई हम मानेंगे क्या, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट सर्कल इज इक्वल टू सी ओ एम ऑफ लेमिना जो फाइनल है प्लस सी ओ एम ऑफ स्मॉल सर्कल, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि इसमें दो पार्ट है, एक इसको और इसको, दोनों को मिला देंगे अगर हम तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया, तो अब हम क्या देखते हैं कि भाई ये जो हमारा सर्कल है इसके सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहे हैं? इसका जो पूरा हमारा कंप्लीट है उसका सेंटर ऑफ मास तो लाई करेगा ओरिजिन पे 0 0, और इसका जो रेडियस है, इसका अगर डायमीटर ए है इस छोटे वाले सर्कल का, तो रेडियस होगा ए बाय टू। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? ए बाय टू कॉमा ज़ीरो, ठीक है। तो अब मेन कहानी इसमें क्या है, इनके एरिया की। देखो शीट है, तो इस शीट का जो एरिया होगा यह है पाई आर स्क्वायर, और मास भी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पाई आर स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा मास, ठीक है। अगर इसका एरिया कम है तो इसका मास कम होगा, और मास किस रेशियो में वेरी करेगा? जितना इसका एरिया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ जो कंप्लीट सर्कल है इसका एरिया कितना है बच्चों? इसका एरिया है पाई इंटू ए स्क्वायर, और जो छोटा वाला सर्कल है इसका एरिया क्या है? पाई इंटू ए बाय टू स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इन सवालों को करने का क्या तरीका है, तो अगर मैं मास को मानूं कि कोई कांस्टेंट मान लूं के, ये मास कांस्टेंट है इसको मैं, या फिर ऐसा कहना चाहूँ मास पर यूनिट एरिया है, ये कुछ भी कांस्टेंट है इसके, तो मास इज इक्वल टू के इनटू एरिया, अगर मैं ऐसा मानना चाहूँ इसको, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास हम क्या निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू। तो ये के जो फैक्टर है ना बच्चों, ये के फैक्टर इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो कैसे? के इंटू ए वन प्लस के इंटू ए टू डिवाइडेड बाय के इंटू, सॉरी, तो ये फैक्टर कैसे आएगा? देखो ये फैक्टर आएगा ऐसे, के इंटू ए वन इंटू एक्स वन प्लस के इंटू ए टू इंटू एक्स टू डिवाइडेड बाय k इंटू ए वन प्लस के इंटू ए टू, ठीक है। ये m1 है, ये m2 है, तो k तो सारा हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा क्या मेरा, a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। तो इन सवालों में हमको सिर्फ एरिया से करना है, हमको एरिया से मतलब रखना है इन सवालों में, ठीक है। कहने का मतलब ये था। तो अब देखो इसका जो दोनों हमारे लेमिना हमारे पास दिए हुए, इसका एरिया कितना है, जो कंप्लीट सर्कल का एरिया है पाई इंटू ए स्क्वायर, छोटे वाले का है पाई इंटू ए बाय फोर स्क्वायर। अगर मैं कंप्लीट सर्कल का बात करूं सेंटर ऑफ मास, तो कहाँ पे लाई कर रहा है ये? 0 0 पे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास 0 0 पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 बराबर क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिना क्या आ रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिना हमको निकालना है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ x, और इसका मास कितना हो गया a1, a1 सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिना हमको निकालना है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूँ x1 और y1, ठीक है। इसके मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए इस लेमिना के x1 और y1। तो अब देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट सर्कल तो 0 है, ये क्या होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ लेमिना? अगर मैं x कोऑर्डिनेट की बात करूं तो a1 इंटू x1, a1 क्यों लिखा ये हमने डिस्कस कर लिया, प्लस a2 इंटू x2 डिवाइड बाय a1 प्लस a2। अब a2 क्या है? a2 इस वाले पार्ट का एरिया है,
जो छोटा वाला सर्कल है, ठीक है। तो A1 क्या है मेरा, A1, तो यहाँ पर बच्चों मेरा A1 क्या है, A1 तो है मेरा पाई माइनस पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4, ये A है, बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया इंटू एक्स, प्लस A2 मेरा है पाई बाय 4 ए स्क्वायर इंटू ए बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय A1 प्लस A2, तो A1 प्लस A2 तो हमारा कंप्लीट एरिया ही आ जाएगा। क्योंकि A1 मेरा है पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4 प्लस ये है पाई इंटू ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है, दोनों पार्ट का हमने एरिया निकाला तो ये मेरा ये आ गया। तो अब हम निकाल लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, और इसकी वैल्यू हमको पता है 0 है, क्योंकि इस जो पूरे कंप्लीट सर्कल है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, 0 पर, 0.0 पर। तो इससे हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे और क्या आएगी, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो इधर क्या आ गया, ये x इंटू 3/4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4 इजिकल टू 3/4 पाई ए स्क्वायर, और इसको कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, प्लस क्या हो गया पाई ए स्क्वायर बाय 2 इंटू ए, और डिवाइडेड बाय नीचे पूरा है पाई ए स्क्वायर, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो अब इसमें पाई ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया 3/4 इंटू एक्स प्लस ए बाय 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस ए बाय 2 इंटू 4/3, प्लस क्या आ गया ये वाला पूरा चीज पाई बाय 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए बाय 2 डिवाइडेड बाय जो टोटल नीचे है पाई ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, पाई ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया मेरा यहाँ पर x इंटू 3/4 प्लस यहाँ पे क्या आ गया a बाय 2 इंटू 4 a बाय 8 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस a बाय 8 इंटू 4/3, तो 4 से 2 तो x की वैल्यू आ गई माइनस a बाय 6। अब सिमिलरली अगर मैं y की कोऑर्डिनेट्स भी निकालना चाहूँ तो y के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसमें कॉमन सेंस से क्या सोच रहा हूँ, कॉमन सेंस से ये सोच रहा हूँ भाई कि देखो इस जो पूरी हमारी शीट है लेमिना है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, जो हमारा कंप्लीट सर्कल है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली इसका सेंटर ऑफ मास भी इसमें ही होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या थी हमारी, सिमेट्री, सिमेट्री कैसे थी बच्चों, अगर आपको याद होगा कि अगर हमारा सिस्टम या हमारी बॉडी सिमेट्रिकल है किसी पॉइंट के अबाउट तो उसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे ही लाई करेगा, क्योंकि देखो इसके अराउंड आपका जो है सिमेट्रिकल है, इधर और इधर सेम ये है, मिरर इमेज भी आप कह सकते हो, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा, तो माइनस ए बाय 6 आया तो यहाँ पर कहीं पर लाई कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि देखो ये वाला मैं पार्ट अगर हटा दूंगा तो इस तरफ इसका मास हैवी हो जाएगा, इस पार्ट का मास, अगर मैं इस सेंटर को ऐसे कट करके दो पार्ट में मानूँ कि भाई दो पार्ट से मिलकर ये बना हुआ है लेमिना, एक तो ये पार्ट और एक ये पार्ट, तो इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास इधर होगा और इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास इधर होगा, तो ऑब्वियसली तो इस तरफ लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो ऐसे भी इसको समझ सकते हो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, देखो इस क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4r, अब इसमें से ये एक सर्कुलर डिस्क है बड़ी, टू स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r आर कट ऑफ, तो दो छोटे छोटे जो ये है ये कट कर दिए, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ न्यू स्ट्रक्चर,
ठीक है। अब ये सवाल भी एरिया वाले से ही हो जाएगा, एरिया के फंडे से। एरिया के फंडे से कैसे होगा, कंप्लीट जो हमारा ये है इसका अगर एरिया में निकालना चाहूँ पाई इंटू फोर आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल ए मान लेता हूँ इसको, और ये दोनों सिमिलर ही हैं तो ए वन और ए टू, उसको वैसे नाम दे देता हूँ सर्कल वन और सर्कल टू। तो ए वन मेरा कितना है, ए वन मेरा है पाई इंटू, अब आर कितना है इसका, ये इसका आर है सिर्फ आर, पाई इंटू आर स्क्वायर बराबर ए टू इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। अब जो मेरा नया लेमिना बन रहा है, अगर मैं इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ तो नया लेमिना का मेरा एरिया क्या बन रहा है बच्चों, एरिया बन रहा है 16 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 14 इंटू पाई आर स्क्वायर हमारे लेमिना का एरिया बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो कंप्लीट सर्कल है इसका कहाँ पर दिया है, ये ओरिजिन पे। तो बच्चों जो ऐसे सवाल आएंगे उसको कैसे करना है शॉर्ट में, तो शॉर्ट में करने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर मेरा ये जो है सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लाई कर रहा है इस पूरे सर्कल का, ठीक है, कंप्लीट सर्कल का। तो मैं क्या लिखूँगा, मेरे को पता है एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू जो इंडिविजुअल पार्ट है, तो लेमिना को मैं मान लेता हूँ पार्ट वन, तो एम वन इंटू एक्स वन, और ये मेरा मान लेता हूँ पार्ट टू, एम टू इंटू एक्स टू प्लस एम थ्री इंटू एक्स थ्री डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। अब यहाँ पे हम लेमिना ले रहे हैं तो M1 को रिप्लेस कर देंगे A से, ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले सवाल में भी बताया कि अगर कांस्टेंट डिग्री करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। तो देखो ये जो A1 प्लस A2 प्लस A3 ये है, ये तो पूरा कंप्लीट इसका एरिया है, तो ये तो पूरा इसको मैं कंप्लीट A भी मान सकता हूँ, ठीक है। और एक्स सी ओ एम मेरे को पता है, जो मेरा लेमिना है कंप्लीट, जो मैंने सर्कल माना इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, जीरो पर है। तो मेरे को निकालना क्या है, ये वाला पोर्शन मेरे को निकालना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन मेरे को निकालना है। तो इस पोर्शन को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ए वन एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अब ये अगर ज़ीरो रहेगा तो ये ए तो इधर आके ज़ीरो ही हो जाएगा, ये इधर आके ज़ीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ए वन एक्स वन क्या हो जाएगा, ए वन एक्स वन मेरा हो जाएगा माइनस ऑफ ए टू एक्स टू माइनस ऑफ ए थ्री एक्स थ्री। तो अगर मैं एक्स वन की बात करूं, अगर मैं एक्स वन के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूं तो एक्स वन के कोऑर्डिनेट्स क्या किस चीज़ से आ जाएंगे, एक्स वन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे ए टू एक्स टू माइनस ए थ्री एक्स थ्री डिवाइड बाई ए वन, ठीक है। तो ए वन का एरिया है जो लेमिना का है, इसमें से दोनों को माइनस कर देना है, और माइनस ऑफ ए वन ए टू एक्स टू और माइनस ऑफ ए थ्री एक्स थ्री, ठीक है। तो अब मैं क्या आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि भाई इसी को यूज़ करके आप अब इसके x और y कोऑर्डिनेट्स निकालो। सिमिलरली हम y के लिए भी कर सकते हैं, जैसे हमारा ये x आया ऐसे ही हमारा y कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएगा, y1 वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए टू वाई टू माइनस ऑफ ए थ्री वाई थ्री अपॉन ए वन। ए वन क्या है, लेमिना का है, इसमें से a माइनस ए वन क्या है बच्चों, a माइनस ए टू माइनस ए थ्री, a ये है a माइनस ए टू माइनस ए थ्री, ये हमारा a1 है, a1, ठीक है। तो इसका यूज़ करके आप आराम से इसको निकाल सकते हो, ठीक है, तो आप इसको एक बार ट्राई करो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है टू पार्टिकल्स ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg लाई ऑन द सेम लाइन, 4 kg इज डिस्प्लेस्ड राइटवर्ड्स बाय 5 मीटर, then by what distance 2 kg should be moved for which center of mass will remain at the same position, ठीक है। अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि 2 kg और 4 kg का एक ब्लॉक है, दो पार्टिकल्स हैं, ब्लॉक है कुछ भी मान सकते हो, तो मैं मान रहा हूँ कि इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये 2 kg है ये 4 kg है, सेम लाइन। इफ 4 kg इज डिस्प्लेस्ड rightwards by 5 मीटर देन by what distance 4 kg should be moved, तो मैं क्या मान लेता हूँ कि भाई इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, ये ओरिजिन पर है, और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है जो 4 kg का है ये है मेरा x1 और ये है x2, ठीक है। इफ़ 4 kg इज डिस्प्लेस्ड राइटवर्ड्स बाय 5 मीटर, तो अभी इस केस में क्या, देखो इस केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है,
जीरो पे, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है और वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो है, ठीक है, और ये मूव कर रहे हैं किधर, एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहे हैं। तो मैं क्या मान रहा हूँ कि भाई वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वाई को मैं कंसिडर कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो क्या हो जाएगा, एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, तो इसका कोई मतलब नहीं, इधर जाके जीरो हो जाएगा। तो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, ये एक चीज़ आ गई। एम वन मेरा कितना है, चार इंटू एक्स वन प्लस दो इंटू एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स टू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू एक्स वन, ठीक है, एक्स टू की वैल्यू आ गई माइनस टू एक्स वन। अब जो दूसरा पार्ट है इसमें क्या कह रहा है कि भाई अब मैंने जो इसको शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया, अब ये चार के जी का ब्लॉक मैंने यहाँ पे रख दिया पाँच मीटर दूर, ठीक है, तो इसका नए कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स वन प्लस पाँच, एक्स वन प्लस पाँच इसका नया कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो सपोज़ कि इसका मैं टू का न्यू कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ एक्स थ्री, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, एक्स थ्री मैं मान लेता हूँ उसका न्यू कोऑर्डिनेट है। तो ये जो हमारा इक्वेशन आया इसको पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साइड में, एक्स टू इज इक्वल टू माइनस टू एक्स वन, ये पहला वाला केस था, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना इस वाले केस की कहानी की क्या हो रही है। तो अब देखो इस वाले केस में सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा टू इंटू एक्स थ्री प्लस फोर इंटू एक्स वन प्लस फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सेंटर ऑफ मास तो सेम ही रहेगा, इसी जगह पे रहेगा, ठीक है, जो हमारा जहाँ पर शुरू में था ओरिजिन पे वहीं पर हमारा सेंटर ऑफ मास रहेगा। तो टू इंटू एक्स थ्री प्लस फोर एक्स वन प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या आ गया, आ गया मेरा एक्स थ्री प्लस टू एक्स वन प्लस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 2x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 2x1 की वैल्यू है माइनस x2, तो x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 कितना आ गया माइनस 10। तो देखो बच्चों इससे क्या आया, x3 की वैल्यू क्या आई, x3 की वैल्यू आई हमारी x2 माइनस 10, ठीक है। अब x2 माइनस 10 ये कह क्या रहा है, अगर मैं x1 को पॉजिटिव मान रहा हूँ अपना, x1 को पॉजिटिव मान रहा हूँ तो मेरा x2 क्या आ रहा है नेगेटिव, x2 क्या है नेगेटिव आ रहा है, और x2 की वैल्यू क्या है माइनस इंटू टू एक्स वन। तो जो x3 की वैल्यू आई x2 माइनस 10, तो x2 से 10 और इधर कर दिया इसको शिफ्ट हमने, क्योंकि x2 तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, x2 ऑलरेडी नेगेटिव है और इसमें और नेगेटिव हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो और नेगेटिव वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी। आपको यहाँ पर x2 की पॉजिटिव वैल्यू से कन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस इसको ऐसे समझना है, क्योंकि x2 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, x2 की वैल्यू आई थी माइनस टू एक्स वन, तो x2 की वैल्यू नेगेटिव है और इस नेगेटिव से मैं 10 और कम कर रहा हूँ, तो मतलब 10 कम कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में बात करें तो 10 में चला गया लेफ्ट की तरफ, तो 10 मीटर ये लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है, 10 मीटर लेफ्टवर्ड्स। और आपको इसको कॉमन सेंस से कैसे समझोगे, कॉमन सेंस से ऐसे समझोगे कि भाई अगर सेंटर ऑफ मास हमारा सेम पोजीशन पर लाई कर रहा है, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, ये बॉडी यहाँ पर है, एक बॉडी यहाँ पर है, अगर सेंटर ऑफ मास को यहीं पर रहना है, इस बॉडी को मैं इधर ले गया, सपोज़ इस बॉडी को मैं इधर ले गया, तो मेरे को ऑब्वियसली इसको इधर ले जाना पड़ेगा, इसको इधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो फिर ये यहाँ पर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर सेंटर ऑफ मास को मेरे को यहीं पर रखना है तो एक बॉडी को अगर मैं राइट ले जा रहा हूँ तो दूसरी बॉडी को मेरे को लेफ्ट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट अब पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है और कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है। इसके अलावा अब आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उसमें हम मोशन देखेंगे सेंटर ऑफ मास का, मोशन ऑफ सी ओ एम, और उसके बाद फिर हमारा जो मेन टॉपिक है रोटेशन, जिसके लिए हम ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल और सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, रोटेशनल मोशन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज करते रहो, क्योंकि रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बच्चों को बहुत इसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल वे में, बहुत मतलब ऐसे समझाऊंगा मैं आपको कि आपको सारा समझ में आ जाएगा, रोटेशन में कभी फिर आपको डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बच्चों, ठीक है, थैंक यू।